हम 16 तारीख की 16th को शाम को निकले थे दिल्ली से, कश्मीरी गेट ISBT से। वहाँ से हमने रिकॉन्ग प्यू की बस ली थी जो हमें करीबन 850 कुछ की पड़ी थी। उसके बाद रिकॉन्ग प्यू हम 8:30 बजे की हमारी बस थी शाम की, सॉरी रात की, ऑलमोस्ट 8:10 की थी। हाँ, तो हम निकल गए वहाँ से। उसके बाद हम रिकॉन्ग प्यू अगले दिन 17 को शाम को 4 बजे, 4 बजे कुछ, हाँ 4 बजे कुछ हम पहुँच 4 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ पे। वहाँ एक दिन का हमने स्टे करा क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे, पूरी बॉडी में पेन में हो रहा था, पता नहीं, तर बस बड़ी वैसी थी और क्या करें। हाँ, और उसके बाद हमने रेस्ट करा, खाया पिया। उसके बाद 18th की अर्ली मॉर्निंग की 5:10 की, 5:30 की रिकॉन्ग प्यू टू काजा की बस चलती है। एक ही बस चलती है रिकॉन्ग प्यू से काजा के लिए सिर्फ 5:30 बजे। उसके लिए भी आपको 4:30-5 बजे इस बस स्टैंड पे आके टिकट बुक करानी पड़ती है। क्यों रुक चुकी है मौलिक बस? इतने खतरनाक रास्ते यार, देख रहे हो भाई साहब, बहुत खतरनाक रास्ते हैं। अभी बस रुकी हुई है, ये बोलते क्या बोलता, कह रहा इतने खतरनाक रास्ते होते ना मैं आता ही नहीं। मुझे तो पता था भाई, मैं पूरा देख देख के आ रहा था। रिकॉर्डिंग कर रहा है इसकी, रिकॉर्डिंग कर रहा है ये, और ये रिकॉर्डिंग लाइव है क्या? लाइव भाई, नेटवर्क आ रहे लाइव है। अभी 100 किलोमीटर दूर है गाजा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत वैली है मेरे सामने। अभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आ पाऊँगा, बट देखो आ गए और अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बता नहीं सकता मैं। छोटा सा स्पीति का, और यहाँ पे बच्चे असेंबली में खड़े हैं, बड़े बहुत ही क्यूट है सारे। अगर आपको टैक्सी भी बुक कुछ करवानी है तो यहीं से ही, सामने से ही होगी, स्पीति टैक्सी यूनियन। वो अंकल बैठे हैं, कल खड़े हैं टोपी पहन के, वो वहाँ से स्टेयर जाते हैं वो अंदर। वहाँ से 3500 रुपये की होती है, और ज़्यादा लोग हो तो सूमो भी हो जाती है 4000 रुपये में कुछ। ये निमित अपने एक दिन के घर में चाय पीते हुए, गड़बड़ दिखा दो यार, एक दिन के लिए घर लिया है। पहले ये बताओ, ये किस, 4 लोग हैं ना, मैं, निमित, मौलिक और अमार, यहाँ कौन सोता है? यहाँ किस मास होता है? अच्छा, और यहाँ मौलिक सोता है, उस खिड़की के पास घबराहट होती है। अच्छा, ये पूरा घर ही रेंट पे ले लिया है हमने, और हमारे रूम भी दिखाते हैं आपको, देख लो यार, कोई भी नहीं है यहाँ पे, पूरा होम रेंट पे ले लिया 1100 रुपये में हमने। और ये हमारा रूम है, एक बेड पे निमित, उधर निमित, इधर मैं, डबल बेड है आराम से, देख लो यार। और इस रूम की खास बात बड़ी अच्छी है, टेरेस पर जाना शॉर्टकट है सीधा, ये विंडो खोली और यहाँ से सीधा, मैं दिखा देता हूँ, मैं ध्यान से, ये देखो खाई भी नीचे,
तो सेफली ये गए और ये आ गए छत पे। निमित और ये हम छत पे आ गए हैं। ये इस रूम की, ये इस घर की बहुत खास बात है। और व्यू देखो यार कितना अच्छा है। तो कैसा लगा आपको हमारा घर, प्लीज़ बताएं ज़रूर। सो ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप, आप देख सकते हो काफ़ी, मतलब क्या बोलूँ। और ये कुछ ऐसा दिखता है, एकदम स्पीति के एकदम कोने पे है बिल्कुल। सो यार काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवा लिए मैंने यहाँ पे, और काफ़ी बाइकर्स यहाँ पे आते हैं। और ब्रिज, अच्छा बहुत ही अच्छा है और अलग ही फीलिंग आ रही है भाई। देखा है यहाँ से, डर लग रहा है। ओ भाई साहब, और अभी हम है 4116 मीटर्स की हाइट पे। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति, चलते ऊपर, लेट्स गो। चले खूबसूरत है। ये था की मोनेस्ट्री, काफी अच्छा था। आप आए यहाँ पे तो जरूर यहाँ पे चाय जरूर पिए। यहाँ की किसी भी मोंग से पूछ सकते हैं कि वो किचन चाय कहाँ पे है, तो वो बता देंगे आपको। थोड़ा ऊपर जाके है वो, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और आप मेडिटेशन भी यहाँ कर सकते हैं, मैंने भी करा 2-4 मिनट के लिए, अच्छा लगा। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। आप भी आइए यहाँ पे की मोनेस्ट्री। थैंक यू। तो ये है किब्बर विलेज, अभी मैं किब्बर विलेज में हूँ। ब्रिज के बाद हम सीधा यहाँ पे आया, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज कैसा है।
ये विलेज कुछ ऐसा है, बहुत खूबसूरत है, छोटा सा विलेज। सभी चलेंगे थोड़ी सी देर में। मैसेज लिख दिया, चलो पोस्ट करने चलते हैं इसको, वर्ल्ड वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। लेट्स गो। ठंड है यार यहाँ पे तो, कभी गर्मी कभी ठंड, बिलीव नहीं हो रहा इतनी ऊपर तक आ कैसे गया। आपको अपनी अगर आप कार बाइक किसी से भी आ रहा तो वहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी और नीचे आपको आना पड़ेगा और यहाँ से पोस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा। चलो चलो आई थिंक उस तरफ होगा। क्या भाई नोट ऑन मैप, मैप में है ही नहीं। वाह क्या बात है, चलते हैं। ये दो मेरे ही हैं, पांच हो गए। स्टैंप लगवा लिए मैंने। स्टैंप लगवाने के बाद अंदर से आपको सामने पोस्ट बॉक्स है, एक पोस्ट बॉक्स, उसमें ये स्टैंप, ये सॉरी ये आपको अपना डालना होता है।